हेलो एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आई एम क्रिएटिंग अ बिरयानी रेसिपी मेरा बिल्कुल बनाने का दिल नहीं था बिल्कुल भी नहीं था बट मम्मी ने कहा बना दो तो मैंने सोचा मम्मा के लिए बना देती हूँ तो uh, इसमें uh, कुछ भी नहीं ऐड किया था और ये सिंगल पॉट बिरयानी की रेसिपी इसके लिए आपको दो या तीन बर्तन गंदे करने की जरूरत है और इसमें सब कुछ मिक्स करके बनाया मैंने किसी भी चीज को नहीं भूला सबसे पहले मैंने लिए थे चार टमाटर धनिया लिया था एक खाने का चम्मच पुदीना लिया था एक खाने का चम्मच जिनमें गाली का पेस्ट लिया था एक खाने का चम्मच और हरी मिर्ची ली थी एक खाने का चम्मच उसके साथ मैंने आधा किलो आलू लिए थे और दही लिया था एक कप और मेरे पास डेढ़ किलो गोश्त था हड्डी वाला मैंने इसको बॉईल कर लिया था तेजपात लिए थे धनिया पाउडर लिया था एक खाने का चम्मच काली इलायची ली थी दो और पेपरी का पाउडर लिया था एक खाने का चम्मच जीरा लिया था और हल्दी ली थी एक खाने का चम्मच उसके साथ बदयान के फूल लिए थे और नमक लिया था और काली मिर्च ली थी और सिरका लिया था और उसके साथ मैंने लिया था बिरयानी मसाला तो सबसे पहले मैंने ये डाल दिया है गोश्त गोश्त के ऊपर मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं इसके बाद मैं इस पर डाल दूंगी आलू जो मैंने आधा किलो लिए थे मैंने इनको मीडियम साइज का कट कर दिया था वरना मैं बहुत बड़े साइज से कट करती हूँ लेकिन मैंने छोटे साइज के रखे थे उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें विनेगर उसके बाद मैंने डाल दिया था टमाटर धनिया हरी मिर्चें पुदीना और जिजर गार्लिक का पेस्ट उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था दही जो एक कप लिया था उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल ऑइल मैंने लिया था हाफ कप उसके साथ मैंने इसमें टू टेबल स्पून बिरयानी मसाला डाल दिया मैंने सिंधी मसाला यूज़ किया आप कोई भी यूज़ कर लें जो आपको पसंद है अगर आप घर में बना दें तो आप वो यूज़ कर लें तो मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स करके बस कवर कर लिया था आधे घंटे के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पहले मैंने पाँच तेज रखी थी उसके बाद मैंने बिल्कुल स्लो कर दी थी उसके बाद मैंने पानी लिया और इसके अंदर मैंने विनेगर डाल दिया था थ्री टेबल स्पून और उसके साथ मैंने इसमें डाला था टू टेबल स्पून सॉल्ट और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था ज़ीरा इसके बाद पानी बॉईल हो गया है बॉयल होने के बाद मैंने चावल डाल दिए थे मैंने बनास्पति लिए थे पूनम के मैं आपको उसका पैकेट भी दिखा दूँगी कौन से लिए थे तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगी आप अनियन और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी धनिया पुदीना और हरी मिर्ची और मैंने ये वाले चावल लिए थे और फर्स्ट टाइम आए थे हमारे घर में पर इनका मुझे बहुत अच्छे लगे थे यूज़ करने में ना बट आप कोई भी चावल बना रहे हैं आपसे पहले उसको भिगो दें अगर आप एक घंटा पहले भिगो देंगे तो आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे बहुत ज्यादा अच्छे बनेंगे बट आप बगैर भिगोई बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे स्पेशली बनास्पति को तो भिगोना ही पड़ता है तो ये बन चुका है तो आधे घंटे के बाद ये आलू भी सॉफ्ट हो गए थे इसके बाद मैंने इस पर फ्राई अनियन डाल दिया है हाफ कप तो आधे घंटे में गोश्त ऑलरेडी बॉयल था आलू गल गए थे इसके अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे उसके बाद मैं इसमें धनिया पुदीना और हरी मिर्ची डाल दूंगी तो मैं आपको बता रही थी कि आप चावलों को जितने ज़्यादा टाइम के लिए भिगोएंगे आपकी बिरयानी उतनी अच्छी बनेगी और प्लीज़ चावलों में जब आप उसको बॉईल करें तो आप उसमें सिरका डाल दें तो वो बहुत खिले खिले बनेंगे वरना वो बहुत पक चपके बनेंगे और चावलों के पास ही खड़े रहें देखें ये बहुत अच्छे बने थे माशाल्लाह ये चावल बहुत अच्छे थे तो उसके बाद मैं क्या करूँगी मुझे जूसी बिरयानी चाहिए तो मैं इसमें ना एक कप पानी डाल दूंगी भरकर मैंने आधा कप डाला है इसके बाद मैं आधा कप और डाल दूंगी और मैंने चावलों को आई थिंक फिफ्टी परसेंट ही बॉयल कर दिया क्योंकि मैंने इसके अंदर एक कप पानी डाला है तो ये बहुत ज़्यादा पानी वाला होगी और जूसी होने वाली है इसलिए मैं इसको दम पे पाँच से छः मिनट के लिए रखूँगी उसके बाद मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल दिया था इसके बाद मैं इस पर चावल डाल रही हूँ चावलों को मैं बहुत अच्छी तरह ड्राई करके नहीं डाल रही थोड़े घीले गले चावल डाल रही हूँ मैं इस पर मैंने बनस्पति लिए थे अगर आप न्यू ट्राई करें बिरयानी वगैरह बनाना तो आप सेला ले लें बट सेला का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना बनस्पति का होता है मुझे बनस्पति बहुत पसंद है इनफैक्ट मैं सेला चावल खा ही नहीं सकती हूँ मुझे पसंद ही नहीं ना खाए जाते हैं बट जो लोग अभी बनाना है स्टार्ट करें उन्होंने नहीं बनाई हुई तो वो सेला चावलों को ट्राई करें वो फिर भी बेहतर होते हैं बहुत ज़्यादा लोग सेला चावल खा लेते हैं पर उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता तो उसके बाद मैंने इसको कवर कर लिया था पाँच से छः मिनट के लिए तो ये बिरयानी बन चुकी है अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ मैंने आई थिंक मुझे लगा था जो मसाले बता रही थी उसमें बहुत जल्दी हो गई थी वीडियो तो मसालों में मैंने लिया था दो खाने का चम्मच बिरयानी मसाला लिया था उसके साथ मैंने एक वन टेबल स्पून पेपरिका लिया था वन टेबल स्पून हल्दी ली थी और वन टेबल स्पून जीरा लिया था और वन टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया था और गरम मसाला में मैंने दो तेज़पात लिए थे पांच लौंग ली थी और पांच से छह काली मिर्च ली थी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं मैंने शायद ज़्यादा ही डाली थी आठ दस बारह डाली होंगी हाँ काली मिर्ची डाली थी और दो काली इलायची डाली थी और दो वाइट इलायची बस ये सब डाला था और बिरयानी बन गई थी मेरी इन्हीं मसालों से और बस मैंने दो टेबल स्पून बिरानी मसाले लिए था जो सिंधी था आप कोई भी ले लें अगर आपको नहीं डालना तो आप मत डालें मैंने पैप्री का पाउडर डाला था क्योंकि हमें ज़्यादा मरें नहीं पसंद ऑलरेडी इसमें ग्रीन चिली ऐड कर चुकी थी तो इसलिए मैंने पैपटी का पाउडर डाला था अगर आपको पसंद है ज़्यादा मरच वाला तो आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं तो इस तरह से बिरयानी बन चुकी है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो मुझे ये बिरयानी बहुत पसंद आई थी और आप इसको देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अम्मी और डिलीशियस बनी थी एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें इससे ये होता है कि मोटिवेशन बहुत बढ़ जाती है और आपको और काम करने का दिल करता है बट uh, अभी के लिए अल्लाह हाफिज अगर आपकी कोई भी रेकमेंडेशन है इस वीडियो की रिलेटेड uh, तो आप प्लीज़ uh, मुझे कॉमेंट्स के थ्रू बताते हैं <coughs> अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय बाय